सेल्स के पास से 4v4 फाइट लेते हुए नजर आएंगे। देखिए तीनों प्लेयर यहाँ पे स्टैक्ड अप हैं इस वाले कंपाउंड में। क्लोज एनकाउंटर सेल्स के तीन प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, बट इल्यूजन ने डैमेज ज्यादा ले लिया था, बट पीछे से भी वहां पे एलिमेंट का स्क्वाड उन्हें थर्ड पार्टी करता हुआ नजर आएगा। अल्ट्रॉन ने उन्हें नॉकडाउन करा, सेल्स के प्लेयर दे आर ऑलरेडी टू मैन स्क्वाड। वहां पर रेड को भी नॉकडाउन करा, ओवर मावी का बहुत प्यारा ग्रेनेड, ये बहुत ज्यादा एक अर्ली एग्जिट हो जाएगी। एंड अनफॉर्चुनेट फाइट जहाँ पे सेल्स के प्लेयर को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या यहाँ पे, रॉक्स का डैमेज वापस से थोड़ा सा कम हुआ, बट वहां पे एक प्लेयर को रिवाइव मिल रहा है। आतंकी इज लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर देम एंड इल्यूजन को मिलेगा रिवाइव, बट पीछे लाइफक्राफ्ट का भी स्क्वाड दिख रहा है हमें, रेंडर हुआ उस वाले रिज पे, बट वर्क स्क्वाड को यहाँ पे कर लेनी चाहिए थी थोड़ी सी पुश, बट रॉक्स को यहाँ पे करा एक पूरा पूरा एलिमिनेट विद दैट ग्रेनेड दलजीत। बट मावी आ चुके अपनी M16 के साथ इस वाले रॉक के ऊपर कवर ले रहे, बट सामने रिवाइव मिल चुका, बट आतंकी यहाँ से निकल के जा चुका, बट वहाँ पे रेड एंड इल्यूजन दोनों वहाँ पे कोई रिवाइव नहीं मिल रहा है। जो स्विम करके प्लेयर आ रहा था मेरे को लगा आतंकी वहाँ पे, बट सेल्स का स्क्वाड पूरा एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज आतंकी अब कौन से आइलैंड में जाएंगे। बट आप देखो बिलीव किसी भी टाइम में नॉकडाउन हो सकता है। सामने टीम जेनोसाइड का नूब है, सामने वाले स्नाइपर टॉवर की हम बात करें, पता नहीं उन्होंने शॉट क्यों नहीं लिए। बिलीव यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो सकते हैं, बट यहाँ पे यस नॉकडाउन करा एश गेमर ने टीम जेनोसाइड के, एंड फिनिश भी करा। ओके यहाँ पे शैडो को नॉकडाउन करा एश गेमर यहाँ पे ट्रेड में नॉकडाउन होते हुए मेहम क्लोक के, बट उनको भी यहाँ पे स्पॉट कर बैठेंगे किसी भी टाइम पे टीम जेनोसाइड के नूब। अभी वो प्रोन डाउन होंगे, एश गेमर के यहाँ पे किल कन्फर्म हो चुका है बिलीव एंड शैडो इस वाले मैच के बाहर हैं। जो मेहम ने यहाँ पे सोचा था कि नवजोत जाएंगे प्लेसमेंट पॉइंट के लिए, मेरे ख्याल से वो एक सोच अच्छी भी थी, बट 12 टीम 33 प्लेयर और 21 मिनट ऑलरेडी गेम में हो चुके हैं। एक्जैक्टली 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम यहाँ पर और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर चिकन डिनर निकालेगी। यहाँ पर शॉट कनेक्ट करने की कोशिश की वीरू पे, बट वहीं पर जेएसएल के ग्लेव नॉकआउट हो चुके हैं एंड उनको बचने की जरूरत होगी। 420 ओपी 420 ओपी यार रुकने का नाम नहीं ले रहे, बैक टू बैक किल्स निकाले, बट पीछे से लेफ्ट से एक और प्लेयर निकलता है, फैज ने यहाँ पे 420 ओपी को नॉकआउट कर दिया एंड दिस इज अ बैड सिचुएशन फॉर देम। सूर्य ओपी काफी लेटे हुए थे बट ये काफी प्रॉब्लम में आ सकते थे। फाइनल बॉस ने यहाँ पे स्पाइडी का गेम कंफर्म किया, वहीं पे क्लाउन वाइन एसएलआर से रॉबिन गॉड को नॉकआउट कर दिया। वहाँ पे प्रिंस ने 420 ओपी की किल कंफर्म कर दी। अल्ट्रॉन ने जेएसएल सूर्या जो ओपी है उनको किल कंफर्म करके बाहर निकाल दिया। 12वें पोजीशन पे जेएसएल निकलती एक किल से, उनको एक पॉइंट मिलेगा वहीं पर, और किल्स हमने यहां पर जेएसएल फैज को भी नॉकआउट कर दिया। सो जेएसएल के लिए तो बिल्कुल डेथ सिचुएशन हो चुकी है। बड़ा अगर आप यहां पे जिग्सॉ को देखोगे बहुत प्यारे उसने सिंगल टैप से किल स्टील भी करा था। यहां पे एलिमेंट का फ्रॉस्ट सामने है, वो 1 HP बचा हुआ था, यहां पे नियो नाइक ने उसे फिनिश करा, बट सामने जो जिग्सॉ है उनको अभी भी स्पॉट कर सकते हैं। यहां पे क्रिएट के पास लूटने गए, सिंगल टैप से वापस से कनेक्ट करेंगे, नियो नाइक का भी यहां पे खेल खत्म करा। 7C के पास एक हाई रेज एडवांटेज है जहां पे लाइफक्राफ्ट के स्क्वाड भी देखिए सी हर जगह पे उनके पास एक विजन है, एक अपर ग्राउंड है। एंड सनॉक में आपके पास ऐसे रिजेस बहुत कम है, जहां पे ये एक ऐसा रिज है जहां पे हर चीज देख सकते हो। जहां पे आप देखो आपने देखा पीछे वीरू टीम जेनोसाइड के प्लेयर को जहां पे एश गेमर अकेले बचे थे उनको देख सकते हो, बट यहां पे लाइफक्राफ्ट के विलन के सामने स्मोक बॉल्स बने हुए, जहां पे ऑरेंज रॉक का स्क्वाड एंड मावी है लेफ्ट साइड में, क्या विलन यहां पे नॉकडाउन होते हुए नजर आएंगे। मावी वहां से बाहर निकलेंगे स्मोक बॉल के कि नहीं, यस वहां से बाहर निकले, बट तब तक वहां से क्लाउन ही निकल चुके थे, बट यहां पे किल्सम को नॉकडाउन करा एस्टिक स्पोर्ट्स के, क्लाउन यहां पे सामने स्पॉट हो चुके हैं, यस ही गॉट नॉकडाउन। मावी यहां पे एक बहुत बेहतरीन ट्रेकिंग यहां पे देखने को मिल रहा है, क्लोज एनकाउंटर में वहां पे एक्सोटिक को भी टैग दिया, एक पुश देखने को मिल सकता है वहां पे विलेन के पास। 35 बुलेट तो माइक्रोजी में डैमेज दिया अच्छा खासा था, बट प्री फायर यहां पे देखने को मिलेगा मावी की साइड से, बट विलेन ने नॉकडाउन करा मावी को विद दैट माइक्रोजी एक्सोटिक वहां पे अब फिर से, और दलजीत को भी यहां पे फिनिश करेगा, बट दलजीत की वहां पे बहुत प्यारी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने को मिली, गेम सेंस बहुत ज्यादा इस वाले प्लेयर में, प्लस एक्सपीरियंस की बात कर दो कहीं भी कमी नहीं है। विलेन सामने टीवी भी ले रहे हैं दलजीत के सामने, क्यूबीजी के साथ यहां पे आगे बढ़ेंगे, बट वहां पे विलेन ने ओआर मावी का खेल इस वाले मैच के लिए खत्म करा। विलेन वहां पे माइक्रो उजी चला रहे, क्यूबीजी का फायर रेट उतना नहीं है जितना माइक्रो उजी का, यहां पे लेजर यहां पे देखने को मिलेगी वो स्प्रे क्लोज एनकाउंटर का दलजीत का, बट वहां पे वो अभी भी पीक करके ट्राई कर रहे हैं ऊपर प्लेयर आ जाए, बट यहां पे दोनों साइड से पड़ेगी, दलजीत विल गेट एलिमिनेटेड इन दिस मैच इन दैट सेंस। यहां पे ओआर के पास थर्ड प्लेस है, बट 7C के पास 10 किल है एंड दे आर इन दैट टॉप 2, बट वीरू ने यहां पे एक किल वहां पे कंफर्म करा, बट लाइफक्राफ्ट के तीन प्लेयर हैं। वीरू यहां पे अपहिल से देखते हैं कितने नॉक ले पाते, एक ग्रेनेड यहां पे अपहिल क्लाइम कराया, बट यहां पे वीरू नॉकडाउन हो सकते थे, बट वीरू आए नीचे, ही गॉट नॉकडाउन बाय फॉलिंग। ये थोड़ा सा अपसेट एक गेम प्ले देखने को मिला फ्रॉम 7C, यहां पे वीरू ने अपना एक सुसाइडल मूव दिखाया, बट ये मैच बहुत प्यारा खेली है लाइफक्राफ्ट का स्क्वाड जहां पे उन्होंने 10 किल चिकन डिनर निकाला।